एटलीस्ट जिस हैक से आप रोज ट्राई कर सकते हैं कुरान पढ़ने का। खाली वक्त मिल जाएगा तो पढ़ लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर नदीम में वॉचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। लिटरली आज पांचवा दिन है जब से लगातार बारिश हो रही है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लग रहा है पता नहीं कितने, एक हफ्ते दो हफ्ते तक ये चलेगा। इसकी वजह से अपनी क्लासेस भी इफेक्ट हो गई है, क्लासेस भी नहीं हो पा रही है, लोग जा ही नहीं रहे तो क्लास क्या होंगे। अलीगढ़ के डीएम का ऑर्डर है कि 12th के सारे बच्चों तक की छुट्टी है, उसके बाद के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है। मुझे लग रहा है अगर इस बारिश के बाद डायरेक्ट धूप वगैरह नहीं निकली और ठंड आ गई ना, तो ये जो पानी भर गया हर जगह पे, अलीगढ़ का तो हाल बहुत बुरा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है कि सब सड़क के ऊपर तक पानी आ गया, कमर तक लोगों के पानी आ गया है, तो वो पानी सूखने में महीनों भर लग जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर अब देखते हैं। मैं क्या सोचा, क्लास तो हो नहीं रही है, मेरे पास अभी खाली वक्त है, तो क्यों ना मैं आपको व्लॉग्स बना के ही देता रहूं। अभी मैं जा रहा था नाश्ता करने के लिए, 9:30 बजे अपना डाइनिंग हॉल बंद हो जाता है, सुबह के नाश्ते का जो वक्त है 9:30 बजे तक का होता है। मैं वेट कर रहा हूँ मिन्हाज का, वो आ जाए फिर साथ में जाते हैं। डेढ़ दिन से तो लाइट ही नहीं थी हॉस्टल में, लाइट चली गई थी कल रात में 2 या 2:30 बजे आई है, तब से चीज़ों को चार्ज किया जा रहा है, पावर बैंक वगैरह चार्ज करके रख दिया है, सब कुछ समेट समेट के रखा गया है भाई चार्ज वोज करके, क्या पता किस आपदा में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हाय, कैसे जाएं? आई आई आप भाई बाप है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन छोले भटूरे मिलते हैं। अरे अरे तुम मुझे धक्का दे रहे हो, कैसा शातिर दोस्त है भाई। तालाब बह रहा है, ध्यान देना डूब जाओगे। नाश्ता वगैरह हो गया, फ्राइडे का दिन है आज तो हमें सूर्य कहफ पढ़नी है। ये रूम की हालत देखिए, इधर पानी टपक रहा है, पूरा भीग चुका है, पूरा टेबल भीग चुका है, नीचे पानी आ गया है, इधर बाल्टी में पानी भर चुका है नहाने के लिए। अरे भाई नगर पालिका बुलाओ, 1-2 महीना और लगातार बारिश हुई तो ये छत जो है ढह जाएगा, हम लोग ओपन रूफ हॉस्टल में रहेंगे फिर। आज फ्राइडे का दिन है तो आप में से बहुत सारे लोग जो है कुरान पढ़ेंगे, बट आपको मैं एक छोटा सा हैक बताता हूँ जिसका एटलीस्ट जिस हैक से आप रोज ट्राई कर सकते हैं कुरान पढ़ने का, मिस नहीं होगा कुरान पढ़ना रोजाना, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बट पढ़ सकते हैं। ये हार्ड कवर कुरान है, इसको रोजाना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप इसको कहाँ कैरी करके फिरोगे रोजाना। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इस पे सूरह नमल है 62 तक पहुंचा हुआ इसके आयत 62 तक, ऐसा नहीं है मैं इसके आगे भी पढ़ चुका हूँ बट इसमें मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, कुरान नहीं रहती मेरे पास, तो मैं अपने फोन में पढ़ता हूँ। अभी तो मैं आपको आईपैड में दिखा रहा हूँ बट फोन में पढ़ता हूँ। एक मिनट, कोई भी आप ऐप यूज कर सकते हो। लास्ट रेड जो है, देखिए अस सजदा की आयत जो मैंने कल पढ़ी थी, इस पर क्लिक करोगे लास्ट रेड पोर्शन जो है आपका आ जाएगा। ये मेरी आदत है, मैं रोजाना एटलीस्ट मतलब कुरान में पढ़ता हूँ तो 5 पेज पढ़ता हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर में जो पढ़ता हूँ तो एटलीस्ट 10 से 20 आयतें जो है पढ़ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ रोजाना। यहाँ से मेरी हैबिट जो है मेंटेन हो गई है, तो अब यहाँ से मैं फिर बाकी कंटिन्यू कर लूंगा। अस सजदा की 32 का 10, अब इसमें लाके मैं सेम वही मार्क कर दूंगा अस सजदा यहाँ पे, सो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करूंगा बाद में, मतलब हार्ड कवर कुरान में अगर मुझे पढ़ना होगा सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इसको मैं ट्राई करता हूँ, इससे क्या रहता है कि मतलब फोन तो हमेशा हमारे पास रहता है तो कन्वीनियंट हो जाता है पढ़ना, फिर उसके बाद घर पे आके आप इसमें मार्क कर लीजिए, फिर जब यहाँ से पढ़ना होगा आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आई टेक दिस वो जी, 80 नहा धो के तैयार हो गई सी, और साढ़े कोल इत्थे भी मस्जिद है तो उत्थे जा रहे सी जुमा दे नमाज दे वास्ते, और तैनू नमाज दे बाद फिर मिलांगे। नमाज के दौरान इतनी तेज बारिश हो गई, फाइनली आज 5 दिन बाद धूप निकल चुकी है। अरे अंदर क्या हो रहा है? अच्छा आज ही तो है एनुअल हॉल मजलिस। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय ढकोलने। लाइट चली गई।
आप देख सकते हैं ये ओस अभी भी दिख रही है. That means finally the thund is approaching. I started this vlog on Friday and today it's Monday. 3 दिन से vlog ऐसे ही पड़ा हुआ था. मतलब मैं इसको आज सोच रहा हूँ एंड कर दूँ. इस बीच मेरे को जुकाम भी हो गया. मेरे नाक का लेफ्ट वेंटिलेटर जो है काम ही नहीं कर रहा. हवा आर पार हो ही नहीं रही. राइट वाला वेंटिलेटर से काम चला रहा हूँ मैं. ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हम बहुत बार कुरान पढ़ना स्टार्ट करते हैं बट जाहिर सी बात है कोई भी चीज एक ही फ्लो में नहीं चलती है. वो फ्लो टूट जाता है. कभी बिजी रहते हैं तो छूट जाता है, नहीं पढ़ पाते कुरान. जो हम कुरान पढ़ते हैं हार्ड कवर कुरान में पढ़ते हैं. हम क्या सोचते हैं अरे यार कुरान तो घर ही पर है कि हम बाहर हैं, हम बिजी हैं, कैसे पढ़ें. पता भी नहीं रहता कौन सी आयत आखिरी पढ़ी. तो फिर सोचते हैं फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके चक्कर में पढ़ते ही नहीं. उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया. रोज हैबिट बिल्ड करना कुरान पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह का कलाम है और आपका दिन शुरू हो अल्लाह के कलाम से. या दिन भर में कभी भी आप पढ़ लो वक्त निकाल के, बट उसको प्रायोरिटी पर रखो कि मुझे पढ़ना है. ये नहीं कि खाली वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगा. मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ रहा हूँ. खाली वक्त मिल जाएगा तो पढ़ लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं. फिर ट्रांसलेशन से पढ़ो. हर नमाज के बाद अगर 10-10 आयतें पढ़ोगे तो एक दिन में आपकी 50 आयतें कंप्लीट हो जाएंगी. अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 20, इतनी तो कम से कम पढ़ दो. आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अब तो और ओस दिख रही है. वैसे सुबह के वक्त एकदम अंधेरा जब था तब तो उतनी नहीं दिख रही थी, अभी ज्यादा दिख रही है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको व्लॉग पसंद है तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया, उस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. मिलते हैं नए व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.